नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। केंद्र सरकार के लिए तीनों कृषि कानून के खिलाफ एक साल से ज्यादा दिन तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसान संगठनों के लिए गुरुवार को राहत की खबर आई है। मोदी सरकार को किसानों की तरफ से भेजी गई ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। इसके बाद 348 दिनों तक चलने वाले किसान आंदोलन को किसानों ने स्थगित करने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि 11 दिसंबर से किसानों की वापसी भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आंदोलन के चलते बंद पड़े दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी खोला जाएगा, जिसके बाद लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। लेकिन कब से खुलेंगे ये बॉर्डर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को गुरुवार को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। सरकार की ओर से किसानों की ज्यादा से ज्यादा मांगे मान ली गई हैं, जिसके बाद किसानों ने ये फैसला लिया है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे नेताओं का कहना है कि इस जगह से सबसे बाद में किसान रुख करेंगे। इसके लिए 11 दिसंबर को समय तय होगा, तब तक गाजीपुर बॉर्डर नहीं खुलेंगे। आपको बता दें, 381 दिन बाद किसानों ने गाजीपुर से अपने टेंट हटाने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह ने इसकी जानकारी दी है। देखिए क्या कहना है उनका। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस हो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। फार्मर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। पराली बिल के बारे में दूसरे बारे में साथियों ने बता दिया है। सो मैं कहना चाहता हूँ, ये संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत है। और कल के दिन जैसे एक तरह का शोक दिवस होगा, उसके बाद हमने फैसला किया है कि 11 तारीख को हमारे किसान जो है अलग अलग जगह से उठेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के लिए बैठे किसान आंदोलन समाप्ति की घोषणा के बाद 11 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत बाकी सभी जगहों से घर लौटना शुरू कर देंगे। बॉर्डर से लौटने के बाद 13 दिसंबर को किसान अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में अरदास भी करेंगे और फिर अपने अपने घर पहुंचेंगे। आपको बता दें, सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर किसानों की सहमति पहले ही बन चुकी थी। गुरुवार पर इस पर लंबी चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। इस वार्तालाप में किसान संगठन के कई प्रतिनिधि शामिल हुए थे। किसान पंजाब के सभी टोल प्लाजा से भी हट जाएंगे। टोल प्लाजा पर धरने 15 दिसंबर को हटाए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद पंजाब की सड़कों पर टोल टैक्स शुरू हो जाएगा। खबरों के अनुसार किसानों ने बॉर्डरों से टेंट और लंगर हटवाना शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि बलबीर सिंह रजेवाल के अनुसार 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक होनी है। इस बैठक में चिंतन किया जाएगा कि आंदोलन से क्या मिला और सरकार ने कितनी मांगों को माना। किसान आंदोलन से जुड़े बाकी प्रतिनिधियों के अनुसार समय समय पर किसान समीक्षा करते रहेंगे। अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती तो फिर से किसान सड़कों पर उतर आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी इस फैसले के बाद बयान सामने आया। राकेश टिकैत ने अपने बयान में कहा कि किसानों और सरकार के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आगामी 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर को खाली करना शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बॉर्डर खाली होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। वहीं किसान मोर्चा ने अपने एक बयान में कहा कि हम 15 दिसंबर को एक मीटिंग करेंगे, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आगे दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। दिल्ली नोएडा जाने वालों के लिए किसान आंदोलन का खत्म होना भी किसी खुशी से कम नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स की वजह से पिछले एक साल से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। 20 मिनट की दूरी के लिए नोएडा गाजियाबाद के लोगों को कभी कभी 2 घंटे तक का वक्त लग जाता था, लेकिन अगले हफ्ते से उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसका संकेत भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अपने बयान में दिया। इस खबर में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।